हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी की स्क्रीनशॉट किस प्रकार से खींच सकते हैं, जो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के मदद से। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। तो इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको पता चलेगा आप किस प्रकार से स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टिप्स नंबर वन है कि आप जैसे अपना स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाना है, जिससे आपका स्क्रीनशॉट खींच जाएगा आसान से। अपने कीबोर्ड से आप दबाइए और आपको इस स्क्रीनशॉट को देखना है, तो आपको सबसे पहले सिंपली आपको कंप्यूटर को ओपन करना होगा और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा पिक्चर्स का। पिक्चर्स पे आप क्लिक करोगे, जैसे आपको एक फोल्डर मिला दी फोल्डर दिखेगा जिसका नाम है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि ये आसानी से स्क्रीनशॉट खींच चुका है। आप देख सकते हैं ये आसानी से स्क्रीनशॉट खींच चुका है। टिप्स नंबर दो है कि आपको सबसे पहले अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन, तो उसको आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और आप क्लिक करते जाते ही आपको यहां से आपको अपनी पेंटिंग ओपन कर लेनी है। आप जैसे पेंटिंग को ओपन करोगे तो आपको यहां से सिंपली क्लिक करना है कंट्रोल प्लस वी। तो आप जैसे यहां पर कंट्रोल प्लस वी करोगे तो आपको ये देखो स्क्रीनशॉट आ चुका है और आप यहां से इसको सेव कर ले। तो इस प्रकार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टिप्स नंबर थ्री, आप भी अपना स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा स्नाइपिंग टूल, आपको उस पर स्नाइपिंग टूल पर क्लिक कर देना है। और आपको जितना एरिया सेलेक्ट करना है, जितने एरिया का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप इतने एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैं भी पूरी स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने पूरी स्क्रीन को ले लिया है, तो आप देख सकते हैं ये पूरी स्क्रीन आ चुकी है और इसका स्क्रीनशॉट खींच चुका है। और आपको यहाँ से आप सेव कर ले आसानी से और आप सेव करके आप इसको देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, जैसे मेरा अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।